फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों की सगाई होने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के सीन के बारे में? आज के सीन के बारे में अभी तो मजा बहुत आ रहा है मुझे तो, मतलब मजा क्या है, मूड स्विंग्स चल रहे हैं इसमें एक्चुअली देखा जाए रियल लाइफ में भी चल रहे हैं वो तो क्रिश की लाइफ के कैरेक्टर के मूड स्विंग्स रियल लाइफ मूवीज में भी आ रहे हैं, पर चलो वो बात की बात है। मायरा दोनों कंफ्यूज हैं देखकर। तो क्रिश खुश भी है कि उसकी सगाई हो रही है जिससे जिसको पसंद करता है, लेकिन परिवार के साथ मनमुटाव भी है उसका, तो कहीं ना कहीं वो सब इसमें डिलेमा में है काफी ज्यादा कि क्या करे क्या ना करे, पर लेट्स सी क्या बनता है। तेरा क्या? रेना तो बहुत खुश है कि फाइनली जो वो चाहती है वो हो रहा है, एंड फाइनली जो सुमन माँ और धरादी ने जो हम तीनों ने मिलकर जो प्लान बनाया वो हम कहीं ना कहीं शायद जाकर एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। सो ऐसे मेरे लिए तो प्रेरणा के लिए ऐसा है कि वो वन स्टेप उन्होंने ले लिया है टू यू नो यूनाइट द फैमिली और ये सब, तो प्रेरणा इज वेरी हैप्पी। फिर बहुत सारी मुश्किलें भी आ रही है प्रेरणा, हमने देखा जैसे कि फैमिली बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश कर रही है सगाई को, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? फैमिली ऐसा कुछ मतलब बुरा नहीं चाहती है, क्रिश को तो फैमिली पसंद ही करती है और एज प्रेरणा क्रिश को पसंद करती है, तो फैमिली के जो भी पॉइंट्स है प्रेरणा सारी चीजें एक्सेप्ट कर रही है, रोक नहीं रही है, फैमिली को डर है कि श्वेता जैसी गलती फिर से ना करे। हाँ राइट, तो फैमिली के इंटेंशंस बहुत ही प्योर और बहुत ही सही है, तो प्रेरणा इज वेरी ओपन एंड उसको चलेगा कि वो जो भी सोच रहे हैं उस प्रेरणा के बारे में, प्रेरणा इज रेडी एंड प्रेरणा उसकी सारी चीजें यू नो फैमिली के सारे डाउट्स क्लियर कर। फैमिली का डर सही है, पहली वाली लड़की जो मैंने सिलेक्ट की उसने मेरे को बर्बाद किया, दूसरी वाली लड़की ने पूरे घर को बर्बाद किया तो उनका ये डर है कि तीसरी वाली लड़की सोमनाथ को ना बर्बाद कर दे तो पर नहीं, अच्छी लड़की आई है या इसे मैंने मिलेनियर बनाया तुमको मैंने? नहीं वो मैंने अपने दम पे बनाया, मेरे साथ ही मिलकर मिलेनियर बनाया ना? नहीं नहीं, वो पहले बन चुका था, नहीं कनाडा तब भी आया यार, नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ये किसने बोला तुझे? मुझे नहीं, क्रिएटिव ने मुझे यही बोला गया कि मुझे मिला और देन ही ग्रो, तेरा दिल रखने के लिए बोला उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने अपने दम पे किया सब कुछ, बीकॉम पास हूं मैं, मैं ये झूठ बोल रहा है। क्रिएटिव्स तो मैं पूछता हूँ, कुछ भी बोलती है तो, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा ही है। अच्छा एक मिनट बोला मुझे, तू कनाडा में थी ना? तू कनाडा में थी 7 साल से? हाँ, नहीं मैं तो पैदा हुई तब से। तो मैं कनाडा कैसे पहुंचा वो मुझे क्या पता, तो अपने दम पे पहुंचा हो ना कनाडा, तो कनाडा में आने के बाद। हाँ, तो कहीं ना कुछ तो किया होगा ना मैंने, मतलब कुछ तो कुछ तीर मारा होगा तभी तो कनाडा आया ना, घर से जब निकला था तो मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, पिज्जा शॉप में काम करता था मैं, वही बोल रही हूँ, मेरे साथ मिलने के बाद मैं मिलियनेयर बन गया ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं पहले ऐसा ही ना, मेरी मेरे को बताया था कि हमारा कोई ये था क्या बोलते, मेरी कोई ऐप बिकी थी जिससे मुझे पैसा बहुत मिला, मुझे कुछ और बताया गया था। शॉप में काम करता था। लास्टली ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू हमें पसंद करने के लिए एंड हमारी जोड़ी को पसंद करने के लिए, और थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, बस इस तरह प्यार देते रहिए ताकि आपके लिए हम और ड्रामा लेकर आए और ज्यादा ट्विस्ट लेकर आए, थैंक यू, देखते रहिए।